पहले तो थैंक यू दीपांशु फॉर अकोमोडेटिंग फॉर टेकिंग अप माय रिक्वेस्ट। दीपांशु, आज जो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में जो एक फ्रीडम स्टॉक जो कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है निवेशकों को, वैसा एक स्टॉक लाया हूँ। स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंस, जो अभी 735 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके 9 से 12 महीने के मेरे टारगेट है 875 रुपये के। इस स्टॉक को मैंने हाल ही में जो मेरी दोपहर को सेगमेंट होती है सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स, 24 जुलाई को 646 के लेवल पे रिकमेंड किया है। वहां से अभी अच्छे अपसाइड भी हो गए, 735 के लेवल पे आज ये स्टॉक है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, ये कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली वन ऑफ द फोर प्लेयर्स है भारत में, और इनका भारत के मार्केट में अराउंड 19% का मार्केट शेयर है। और ये जो इक्विपमेंट बनाती है वो QR कोड और बार कोड के लिए काम आता है, जो कि आजकल काफी चीजों में मैंडेटरी है, तो उसके कारण से एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। बाकी इस कंपनी का एक जर्मनी और एक स्पेन की कंपनी के साथ भी टेक्निकल टाइप है, और इन्होंने एक नेदरलैंड्स में भी मार्क प्रिंट नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया हुआ है, तो उससे भी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। मार्की क्लाइंट लिस्ट है गोदरेज, HUL, ITC, टाटा स्टील, हिंडालको, सबको कैटर करती है। और हाल ही में हमने देखा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी QR कोड को मैंडेटरी किया है, तो उसका भी एक फायदा मिलना चाहिए। फिर ऐसे भी माना जा रहा है कि हाल ही में जो कंप्यूटर हार्डवेयर्स या कंप्यूटर्स के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है सरकार ने, वैसे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन सरकार प्रिंटर्स पे भी करने जा रही है, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। जून तिमाही के नतीजे बेहद ही दमदार थे, 11 करोड़ के सामने 14 करोड़ का पैट आया, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, जीरो डेट कंपनी, FISGS भी अराउंड 16% स्टेक ओन करते हैं, तो हर तरह से सब कुछ है एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने का इस स्टॉक में। तो खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 875 रुपए, 875 के टारगेट के